तो देखो बेटा, हम जेड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, तो हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास, फिर बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस फार्मूले नाल कैलकुलेट करने हैं, उसके बारे गल की है ना। पर हुन जड़ी इंपॉर्टेंट गल है वो ये है कि अगर बेटा टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम निकालनी है, तो लास्ट टाइम आपा गल कीती सी तो तुसी या ता जो सिस्टम दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल दी मोमेंटम फाइंड आउट करके उन्हां दा वेक्टर सम लेके टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन थानू दसी सी कि तुसी सिस्टम दे टोटल मास नो सिस्टम दी सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी ना मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आ जाएगी। पर हुण जदों बेटा आपां गल करन लगे हां कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उहदी स्टेटमेंट की है कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर सिस्टम दे ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम की मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। हम क्योंकि बेटा सिस्टम की टोटल मोमेंटम और क्योंकि यूजुअली बेटा जनरली किसी भी सिस्टम का मास अगर कंजर्व है कांस्टेंट है तो एम कांस्टेंट है तो वी सी एम भी कांस्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उसनों असी अदर फॉर्म्स कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम जीरो है तो उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होए। हुन बेटा जो असी कहने हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो उसके लिए की कंडीशन है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। और नेट फोर्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कस किया ही होया कि नेट फोर्स बेसिकली सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। तो अगर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है तो VCM कांस्टेंट है। हुण बेटा VCM कांस्टेंट का मतलब ये है, गल नूं फॉलो करियो कि बिफोर एंड आफ्टर VCM सेम होएगी, बराबर होएगी। तो जिस तरह उस दिन सानू गल दसी सी कि अगर तुसी गन फायर करते हैं तो बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन जिन्हों तो मिलके सिस्टम बनया वा गन प्लस बुलेट सिस्टम, तो क्योंकि बिफोर फायरिंग बुलेट और गन दोनों की मोमेंटम जीरो है रेस्ट पे होने करके, तो सिस्टम की इनिशियल जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी जीरो है। क्यों थानू दसिया होया ना कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जदों भी निकालनी है तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री है ना, जिन्हें भी मासेज आप दो मासेज को कंसिडर कर रहे हैं। हम क्योंकि बेटा बिफोर फायरिंग बुलेट और गन रेस्ट पे है तो वी वन वी टू जीरो है तो बिफोर फायरिंग VCM जीरो है। फिर फायरिंग के विच बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इस कारण करके आफ्टर फायरिंग चाहे बुलेट और गन मोशन च आ गए है बट VCM स्टिल जीरो ही रहेगी, मतलब जस्ट आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन ते वेलोसिटी ऑफ बुलेट
चाहे नॉन जीरो हो गया है बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्टिल जीरो ही रहेगी। हुण इस गल की साडे लिए एडवांटेज की होगी है ना, इस गल नूं असीं किस तरह यूज करना डिफरेंट सिचुएशन दे विच। हुण उहदे लई बेटा देखो थानू कई बार की बोलिया जाएगा, हम गल सुनो पुत्र समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो VCM कॉन्सटेंट जो है उहदे बारे में गल दसन लगा। हुण मान लो थानू कोई बोलता वा कि एक पार्टिकल है M1 इनिशियली रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल है M2 इनिशियली रेस्ट पे है, ये दो पार्टिकल्स रेस्ट पे है और दोनों के बीच सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन आर। नाउ जो आप इन दोनों पार्टिकल्स नो रिलीज किया मतलब फ्री टू मूव सिचुएशन च ले आंदा, तां M1 पार्टिकल M2 पार्टिकल से ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और M2 पार्टिकल M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जिस कारण करके M1 भी मोशन से सेट हो जाएगा, M2 भी मोशन से सेट हो जाएगा और ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। पर सानू क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो दो पार्टिकल्स है ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनिशियली रेस्ट पे थी, दसो किस पॉइंट पे ये मीट करेंगे मिलेंगे। तो इस जो प्रॉब्लम है इसके लिए M1 से M2 बेटा ये दो मासिव है जिन्होंने मिला के सिस्टम बनाया थी, उसनु सिस्टम मान लिया। तो क्योंकि M1 M2 इनिशियली रेस्ट पे गिवन है इस करके इस सिस्टम दी जो VCM है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो जीरो है क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक दूसरे की तरफ भी मूव कर रहे हैं। हुण बेटा ये जिहड़ियां दो फोर्सेस है ये सिस्टम दीआं इंटरनल फोर्सेस है और इक्वल बट ऑपोजिट है, इस करके नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम जीरो है। हुण इस सिस्टम से क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो VCM विल रिमेन कॉन्स्टेंट और VCM कॉन्स्टेंट का मतलब क्योंकि इनिशियली VCM जीरो है तो फाइनली चाहे दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उन्होंने VCM जीरो ही होएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जिथे है उथे ही रहेगा। हुण इहदा मतलब जो फाइनली ये पार्टिकल एक दूसरे नू मीट भी करेंगे तो किथे मीट करेंगे, सेंटर ऑफ मास। हुण इहदा मतलब जो असीं इस क्वेश्चन का आंसर करांगे कि इनिशियली ये दोनों पार्टिकल रेस्ट ते है, इन्हां नू रिलीज किया अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जदों एक दूसरे की तरफ आते हुए एक जगह पे पहुंचेंगे, मान लो ये मीटिंग पॉइंट है पी, तो ये पी जड़ा मीटिंग पॉइंट है बेसिकली इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास है। तो हुण थानू स्टार्टिंग दे विच जदों असीं सेंटर ऑफ मास का कुछ कंसैप्ट आपां स्टार्ट कीता सी उहदे विच थानू दस्सिया सी कि अगर दो पार्टिकल्स दे मासेस पता वा, दोनों दे विच इनिशियल सेपरेशन पता वा, असीं इस पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास की पोजिशन दस सकते हैं। तो इहदा मतलब अगर आप इस डिस्टेंस नू R1 बोलते हैं बेटा तो R1 की वैल्यू की आएगी, तो अगर R1 की वैल्यू निकालनी है तो M2R ओवर M1 प्लस M2, और अगर तुसी R2 की वैल्यू निकालनी है तो आ रिजल्ट आएगा पर है ना, ये डेरिवेशन कीती हुई है अपन। तो हुण ये जिहड़ी सिचुएशन है ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ये तो थोड़े सामने इस तरह क्वेश्चन की फॉर्म च भी आ सकदा कि मान लो दो परसन है दोनों फ्रिक्शनलैस फ्लोर से खड़े है, फ्रिक्शनलैस फर्श से खड़े है और दोनों ने
एक रस्सी पकड़ी है, मतलब एक जड़ी रोप है, उधर एक एंड एक एक पर्सन के हाथ से, दूसरा एंड दूसरे के हाथ से, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। हुन क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ना तो वो पर्सन वॉक कर सकते हैं बेटा फर्श के ऊपर, तो ना ही रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं तो वो की करेंगे कि ये आप स्ट्रिंग है तो एक पर्सन ने रस्सी इतने पकड़ी है, दूसरे ने इधर को, और रस्सी के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होंगे। फिर इतने भी बेटा काम वही है कि जिड़िया दोनों एक दूसरे के फोर्सेस लगा रहे हैं वो इक्वल बट ऑपोजिट है, मतलब वो नो डाउट एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होंगे, पर उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो कितने मीट करेंगे जिथे दोनों का सेंटर ऑफ मास, मतलब ये सिचुएशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस तरह पूरा कंसेप्ट भी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या इतने तक कोई गल समय लगी है मोहन दी? अंकुर नारायण ठीक है। हम देखो बेटा हूं ये जी प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास दे रिलेटेड, इहदे नाल आपां डिफरेंट सिचुएशंस नूं टैकल करना। जिदा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हों असी अलग अलग एंगल तो स्टडी कर सकते हैं। कि जिस तरह मान लो आ बेटा एक लेक है, आ एक लेक है, इस लेक के अंदर से आ एक बोट है, तो आ एक बोट है। हुन इस बोट का मास कैपिटल एम है, इस बोट का मास कैपिटल एम है ना, आप इस बोट नो सिंपल इदा शेप च ले आने हैं। तो आ बोट है, इसका मास कैपिटल एम है। इस बोट के अंदर एक पर्सन मान लो स्टैंडिंग पोजीशन च है, इसका मास स्मॉल एम है। हुण बेटा ये सारा पानी है, हुण वो की कह रहे हैं कि ये जिहड़ी बोट है और ये जो पानी है इहदे विच फ्रिक्शन नेगलिजिबल है, मतलब जो विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शन है वो असी इग्नोर कर दें। हुण ये थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर ये पर्सन अगे मूव करेगा इस तरफ अगे नू जाएगा तो ये जिहड़ी बोट है वो पिछे नू आएगी, ठीक है। वो बेटा मान लो आ बैंक किनारा वा, दिस इज बैंक, और आ है इस पर्सन का डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक, मतलब इस वक्त आदमी किनारे तो कितनी दूर है डी, और आ बेटा बोट है जिसकी लेंथ है एल, तो एल लेंथ ऑफ बोट है। हुण जदों ये पर्सन इस पॉइंट तो इत्थे पहुंचेगा तो बैंक तो उसकी दूरी डिस्टेंस कितना रह जाएगा। हुण यूजली असीं जिहड़ा रूटीन दे विच की गल करदे आ कि इस प्रॉब्लम नूं तुसीं इदां समझदे आ कि जदों पर्सन इत्थों इत्थे पहुंचेगा तो किनारे की तरफ एल डिस्टेंस एडवांस होया ना, अगे वध्या, क्योंकि वो पहला किनारे तो डी डिस्टेंस दूर है, तो एल डिस्टेंस अगे जान दे नाल आंसर किया जाएगा डी माइनस एल, पर ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होएगा बेटा? क्योंकि सानू याद रखना चाहिएगा कि जदों ये पर्सन इस बोट के उपर मूव कर रहा है तो ये बोट पिछे नू आ रही, इहदा मतलब होएगा कि जिहड़ी सिचुएशन है कि जदों ये पर्सन इस किनारे तो इत्थे पहुंचेगा
तो एक पूरी बोट पिछे नू भी आएगी, मतलब हुण मैं ब्लू कलर दे नाल ये बोट इदां तो ये बोट पिछे नू आई, मतलब किन्ना पिछे नू आई, सपोज कैपिटल है। तो इस करके जिहड़ा ये पर्सन है वो इत्थे नहीं पहुंचेगा, वो इस किनारे दे मतलब इत्थे आएगा। इट मीन्स ओदी आ जिहड़ी दूरी है वो आ वाली की सी डी माइनस एल और आ एक्स है, तो इट मीन्स ओदी फाइनल दूरी डी माइनस एल नहीं, डी माइनस एल प्लस एक्स है, तो आ दूरी होगी। पर इस एक्स की वैल्यू नू असी निकालना चाहते हैं, तो ये जिहड़ी एक्स है ना बेटा, ये केड़ी डिस्प्लेसमेंट है इस बोर्ड प्लस पर्सन की, जो सिस्टम है वो पिछे नू डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स है। तो एल पता की है, एल की है, एल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। दो गल्लां च फर्क है ना, एल की है आदमी एक किनारे तो दूजे किनारे पहुंचा, मतलब ओदी एल की है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ते जबकि एक्स की है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट प्लस मैन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण एक्स और एल का की रिलेशन आएगा बेटा, तो एक्स है ये रिजल्ट मास ऑफ पर्सन एल ओवर, हुण ये रिजल्ट तुसी डायरेक्ट भी याद रखना, मां बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये आया कितों है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो भी निकाल सकते हैं, ते सेंटर ऑफ मास तो भी, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट तो भी कर देना। पर ये रिजल्ट अपने आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल की तरह ही ये याद रखना कि अगर बोट जो कि फ्रिक्शनलेस नॉन विस्कस वाटर के विच है, अगर उसके एक आदमी और रेस्ट दे है बोट, और अगर उस बोट के विच आदमी एक किनारे तो दूसरे है ना किनारे तक जाने की कोशिश कर रहा बोट के अंदर, ता बोट भी ऑपोजिट डायरेक्शन शिफ्ट होएगी, और उस बोट भी शिफ्टिंग एक्स होएगी ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसका रिलेशन एल दे नाल किस तरफ कितना होएगा, तो आ फार्मूला, ये फार्मूला कितना आया है आप प्रॉब्लम सारा डिस्कस करांगे। पर ये रिजल्ट भी अपने आप से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही सेम प्रॉब्लम थानू इतना भी आ सकती है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसके ऊपर बेटा एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक लाई कर रहे हैं, मतलब बोट की जगह प्लैंक आ गया, और प्लैंक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ, तो जो आदमी अगे नु शिफ्ट करेगा तो प्लैंक पिछे नु आएगा, जिदा बोट वाला केस ही है ना, मतलब बोट की जगह पे प्लैंक आ गया, बस इतना फर्क है। तो उसके विच भी सेम केस आएगा कि अगर पर्सन का मास एम है और एल की है, उस पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स की है उस प्लैंक प्लस पर्सन सिस्टम की ऑपोजिट डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, और उसका रिजल्ट ये है, और ये एम मास ऑफ पर्सन है तो कैपिटल एम मास ऑफ प्लैंक है, तो ये गल याद रखनी है। तो इस तक समझ आ रही है बेटा? अंकुर, मोहन, ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो ये रिजल्ट भूलना नहीं है ना। हुण ये जिहड़ा रिजल्ट है तुहानू दस्सिया लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो भी आ सकता है, तो सेंटर ऑफ मास कंसैप्ट तो भी आ जाता, दोनों इक्वली गुड है। प्लस हुण अगली गल ये दस्सण लगा, बोल एल की मैं बोल रहा सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो हुण इत्थे मैं लिख रहा स्मॉल वी, वी है वेलोसिटी ऑफ पर्सन और बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो आईडी वी है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन और बोट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉय और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ते कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आ वाला वी और इस बीच भी फर्क समझो, जिदा एल और एक्स के विच है, नो डाउट एल की है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन है पर वो विद रिस्पेक्ट टू बोट है, और एक्स की है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट प्लस पर्सन
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और उतना ही स्मॉल वी की है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट है, और कैपिटल वी की है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और अभी डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम टाइम ना डिवाइड करके v इज इक्वल टू एम वी ओवर हाँ जी आप प्रॉपर साइन लेना फिर माइनस साइन नाल पा देने अपन। तो इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि जिस डायरेक्शन च पर्सन की डिस्प्लेसमेंट है बोट प्लस पर्सन सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट है, जिस डायरेक्शन च पर्सन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बोट तो बोट की वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन च है, नेगेटिव साइन का सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों बेटा जलो आप इस रिजल्ट को हम दिमाग रखना है अपने आप से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखो हम आप कुछ प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम कह लो जनरल प्रॉब्लम कह लो जो कि डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मकैनिक्स के नाल रिलेटेड है उन्होंने थोड़ा जहा ट्राई कर दें आप। तो की है पुत्र देखो कि एक्चुअली आप फ्रिक्शन का टॉपिक थानू दस्या होया कि जो असी कहने कि असी कॉम्पीटिशन की प्रैपरेशन कर रहे हैं तो एक पूरा टॉपिक चाहे वह मकैनिक्स है चाहे वह हीट एंड थर्मोडायनमिक्स है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पूरे की होनी चाहिए है, क्योंकि जो जो कुछ टॉपिक मिसिंग है तो फिर वो बाकी टॉपिक जोड़े असी तैयार भी किए उन्होंने भी अफेक्ट कर सकते। और जो असी हम गल करते हैं फ्रिक्शन की है ना, हम फ्रिक्शन के रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे थानू समझ होनी चाहिए है। वो की है बेटा देखो हम मैं एक स्टेटमेंट थोड़े सामने बोल रहा वा तुसी उन्हें सुन लेना सिर्फ, और मैं ये असाइनमेंट थानू सेंड कर दाँगा ग्रुप च पा दाँगा है ना कॉम्पीटिशन लई, तो वो नोट कर लियो। तो मैं इस असाइनमेंट का प्लस वन भी है जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये जिदा कि आप एक टॉपिक क्वेश्चन दिता वा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इनक्लाइंड प्लेन, मतलब घट्टो घट कितनी फोर्स लगाई जाए बॉडी से ताकि वह उपर न रफ इनकलाइन प्लेन से पुश होए। तो यह मतलब ये जी स्टेटमेंट है यह मीनिंग की है कि अगर ये इनकलाइन प्लेन है और ये एंगल ऑफ इनकलीनेशन थीटा है तो इसके उपर रखी बॉडी आप एफ वन फोर्स लगा के उपर न मूव करवाना चाहते हैं शुरू करवाना चाहते हैं। तो यहाँ मतलब यह हो गया क्योंकि ये बॉडी उपर नू जाना चाहती है एफ वन फोर्स करके, तो ये और इनकलाइन प्लेन दे विच फ्रिक्शन नीचे नू होएगी, फ्रिक्शन नीचे नू होएगी, और इस तो इलावा बाकी फोर्सेस एम जी ते नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेंगे और इतों आप कंपोनेंट्स बना के इक्वेजन्स लिख सकते हैं। तो एन एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया, और क्योंकि एफ वन फोर्स ने मूव करवाया नहीं है स्टार्ट करना ना, इसका मतलब आ फ्रिक्शन लिमिटिंग होएगी, तो एफ वन केनू बैलेंस करेगी एम जी साइन थीटा प्लस एफ एल नू, और एफ एल की वैल्यू थानू पता ही है लिमिटिंग फ्रिक्शन होंगी है म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, और एन की वैल्यू साडे केस च एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉमन आ गया बेटा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ रहे हैं, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन इज एफ वन, व्हाइल द मिनिमम फोर्स नीडेड to prevent it from sliding down is F2, मतलब इसे बॉडी नो सेम इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर
नीचे जान को रोकने लिए कितनी फोर्स लगानी पड़नी है, एफ टू, मतलब फर्क समझो, क्योंकि एफ वन ने इनू ऊपर नू ले जाना तो फ्रिक्शन नीचे नू है, तो एफ टू फोर्स ने इनू नीचे जान को रोकना तो फ्रिक्शन ऊपर नू है, तो एक फर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वेट नॉर्मल रिएक्शन, तो mg साइन थीटा, तो आ थीटा है mg cos थीटा, तो n mg cos थीटा ही बन गया, पर होने f2 plus fl mg साइन थीटा है, तो f2 की वैल्यू mg साइन थीटा माइनस, तो एक वैल्यूज पुट करके mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया। मतलब देखो फ्रिक्शन किस तरफ लेनी है ना, तो उसके लिए थानू सिचुएशन नू कंसीडर करना पड़ेगा, और उस तो बाद थानू ने पूछा होया कि फाइंड द रेशियो ऑफ f1 टू f2, ते नाल गिवन किया, उन्हें गिवन देता होया कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, ये रिजल्ट देता है। तो हुन जदो तुसी इथे f1 ओवर f2 दी रेशियो लोगे, तो आ f1 है आ f2 है, mg mg खत्म हो गए, तो ये थोड़े को बन गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू, हुन जदो इथों आपां cos थीटा कॉमन कर लांगे बेटा, तो ये बन गया tan थीटा प्लस म्यू ओवर tan थीटा माइनस, तो ये जी हम वैल्यू है tan थीटा की, वो थानू स्टेटमेंट च गिवन है, तो पुट करके तुसी रेशो निकल आए। पर इस न्यूमेरिकल की इंपोर्टेंस साडे लिए की है कि जिहड़ी फ्रिक्शन है ना, जो बॉडी उपर नू जान नू शुरू करनी है तो फ्रिक्शन नीचे नू है, और अगर बॉडी नू नीचे जान तो रोकने लिए फोर्स चाहिए है तो फ्रिक्शन उपर नू लेनी है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। अच्छा फिर बेटा अपा ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़िया होया, थ्योरी कंसेप्ट है, तो मैं मिक्स्ड न्यूमेरिकल भी अपा डिस्कस कर रहे हैं, वो की है तो कंसेप्ट है, देखो स्टेटमेंट सुन लो, वो कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए सर्कल अंडर ए सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय माइनस के बाय आर के, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम थानू स्टेटमेंट की दिता बेटा, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस के बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और r रेडियस ऑफ सर्कल है। f इज गिवन टू बी माइनस के बाय आर स्क्वायर एंड एनर्जी निकालनी है, पार्टिकल सर्कल घूम रहा है और सर्कल लगन वाली सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सप्रेशन गिवन है और एनर्जी निकालनी है। हुण इत्थे तुहानूं समझ की होनी चाहिए कि जदों पार्टिकल सर्कल च मूव कर रहा बेटा, तां उहदी जिहड़ी एनर्जी है उहदा मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मकैनिकल एनर्जी, एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मीन मकैनिकल एनर्जी। तो इट मीन्स थानू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पैणी। हुण जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है बेटा, उन्होंने निकालने लई थानू कितना सोचना पैना, सर्कल का कंसेप्ट है क्योंकि पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है और एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर का रिजल्ट आ गया माइनस के बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है,
तो माइनस के बाय टू आर आ गया। पर नाल ही थानू याद ही आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी तो नैगेटिव नहीं होनी है ना, इट मीनस आप साइन नू ओमिट करके कैलकुलेशन करनी, तो काइनेटिक एनर्जी के बाय टू आर है, तो आ वाली वैल्यू आ गई। अच्छा हुण तुसी कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना कैलकुलेट करिए, है ना। हुण पोटेंशियल एनर्जी नू कैलकुलेट करन लई थानू की याद आना चाहिए कि फोर्स ते पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है F इज इक्वल टू माइनस बी यू बाय डी आर। हाँ कर ले कर ले। तो फोर्स जो है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन थानू पता दस्या होया कि क्योंकि थोड़ी फोर्स आर दी टर्म से फंक्शन ऑफ आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। हुण इहदा मतलब डी यू की बन जाएगा माइनस एफ डी आर। हुण एफ दी वैल्यू माइनस के बाय आर स्क्वायर है, तो डी यू आ गया माइनस माइनस प्लस के बाय आर स्क्वायर, है ना, आ बन गया। तो जो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनू इंटीग्रेट करता ना, और इहदा रिजल्ट जिहड़ा वा ओ माइनस वन बाय आर आ जाना, तो यू माइनस के बाय आर, तो यू और के पुट करके टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो इस तक मतलब ये सारा कंसेप्ट किया हुआ, बट ये ऑन द स्पॉट सानू याद आएंगे तो अभी सॉल्व कर पावांगे, है ना। फॉलो कर रहे हैं पुत्र?